यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। द नेट चार्ज इन ए करंट कैरिंग वायर इज जीरो। नेट चार्ज, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब वायर में करंट जा रहा होता है इसका मतलब कोई चार्ज थोड़ी ना है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, बस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यही है बस। देन वाई डज ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट ए फोर्स ऑन इट, वाई वुड इट नॉट, आई मीन ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यार, है ना भाई। मैग्नेटिक, देखो ये बताओ, यहाँ पे दो तरह के चार्जेस है ना, अगर करंट इधर जा रहा है तो दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स आर स्टेशनरी, और फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक चीज बताओ यार, जो फोर्स लगता है वो मूविंग चार्ज पे लगता है ना, उसका न्यूट्रल होने से थोड़ी ना कोई रिलेशन हो गया यार। माना कि ये न्यूट्रल है, तुम्हारा नेट चार्ज जीरो है, पर भाई इसको अगर तुम पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी है, पॉजिटिव वाले जितने भी चार्जेस हैं यहाँ पे उन पे कोई फोर्स नहीं है, पॉजिटिव वाले चार्जेस जो तुम्हारे है ना, जो कैटायन वैटायन लैटिस पॉइंट जो भी है तुम्हारे, उन पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, जो भी मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहा है, तो होगा बिल्कुल, बस ये कन्फ्यूज करने के लिए है बस, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, पर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि ओवरऑल वायर तुम्हारा न्यूट्रल है, फिर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ रहा है ना, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई वो ओवरऑल न्यूट्रल है पर उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव वाले स्टेशनरी और नेगेटिव वाले मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वाले पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है और नेगेटिव वालों पे लग रहा है,